हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इंग्लिश का एग्ज़ाम 27 तारीख को प्रथम पाली में लिया जाएगा, इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स और इंटर आर्ट्स वाले बच्चे का। ओरिजिनल प्रश्न पत्र हमारे पास आ चुका है, लेकिन आप सभी को मालूम है कि हमें इंग्लिश नहीं आता है, हम इंग्लिश आप सभी को नहीं पढ़ाते, इसलिए इंग्लिश की मैम 30 प्रश्न का राइट आंसर की बताकर वीडियो बनाकर भेज दिया है। हम इसी वीडियो में उस वीडियो को जोड़ देता हूँ, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देख लीजिए और पूरा आंसर की मिला लीजिए, लिख लीजिए, सेम टू सेम प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। स्नेक आर सीन अमंग डैश इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस। कह रहा है कि जो स्नेक है वो किसके बीच में देखा गया, इन माय ग्रैंड मदर्स हाउस जो चैप्टर नेम है। तो ऑप्शन ए है बेड, बी है बुक, सी है टेबल, डी है चेयर। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बुक। बुक के अंदर देखा क्या था स्टूडेंट, स्नेक को। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सोल्जर इन द सोल्जर इज। कह रहा है जो सोल्जर है, इन द सोल्जर इज, वो क्या है और मतलब कहाँ कि वो सोल्जर थे। ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी है इंग्लिश, सी है जर्मन, डी है स्पेनिश। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फूड इन द विलेज इंडियन विलेजर वाज सर्व ऑन डेस्क लिंक। कह रहा है कि जो फूड है इंडियन विलेजर, वो किसके पत्ते पे फूड को सर्व करते हैं। तो ऑप्शन ए है बनाना, बी है पीपल, सी है मैंगो एंड डी है पपाया। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ आवर करेक्ट आंसर। बनाना के पत्ते में जो फूड है वो सर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेमोन एंड डैश आर क्वेलिंग फॉर द ऑक्स मीडोज। कह रहा है कि जो लेमोन है और कौन जो है जो झगड़ा कर रहा था ऑक्स मेल्डोन के लिए। तो ऑप्शन ए है नटालिया, बी है चुबू, एन सी है सोमो एंड डी है नताशा। सो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 4 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज ऑन प्रेस। कह रहे हैं कि जो सेंसरशिप है वो इम्पोज करता है प्रेस पे, कब। ऑप्शन ए ड्यूरिंग अ फ्लोट, बी है ड्यूरिंग अ इलेक्शन, सी ड्यूरिंग अ डिजास्टर एंड डी है ड्यूरिंग इमरजेंसी। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग अ इमरजेंसी। ये नहीं है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4-5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वुमेन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ड्यूरिंग। जो वुमेन्स है, औरतें हैं, वो बहुत सारे रीति रिवाजों को या फिर ट्रेडिशनल कपड़े गहने कब पहनती है। ऑप्शन ए है कुकिंग, बी है हैविंग अ बाथ, सी है एजुकेशन, डी है प्रेगनेंसी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। प्रेगनेंसी के दौरान तो जो वो बहुत सारे रीति रिवाज को फॉलो करते और बहुत ज़्यादा वो तैयार भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैन डाई इन अ लास्ट नंबर इन विंटर। कौन है जो बहुत ही लास्ट नंबर में डेथ होते हैं इन विंटर सीजन में। ऑप्शन ए है ह्यूमन बींग, बी है बर्ड, सी है एनिमल, डी है प्लांट। सो हमारा 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी इज आवर करेक्ट आंसर। बर्ड जो होते हैं वो ठंडियों में बहुत सारे डेथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइपेरियन एंड द इंड्रोमाइनियन आर रिटन बाय। जो हाइपेरियन और इंड्रोमाइनियन है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है बी पी सैली, बी है जॉन किट्स, सी है एस टी कोलब्रिज एंड डी है विलियम वॉटसन। सो हमारा 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन किट्स। 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फॉर्म। कह रहा है कि आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम। ये लाइन किस चैप्टर से, किस पोएम से लिया गया है। ऑप्शन ए है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है स्नेक, सी है द सोल्जर एंड डी है एन इपिथ। सो हमारा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 10 है, द डेवलपमेंट ऑफ डैश वॉज हेल्प बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन ए है मॉडर्न इंग्लिश, बी है मिडल इंग्लिश, सी है ओल्ड इंग्लिश एंड डी है पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश। सो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश आर रूलर ऑफ द एंशियंट इजिप्ट। कौन है जो रूलर है एंशियंट इजिप्ट।
ऑप्शन ए अमेरिकन, बी है अफ्रीकन, सी है फेरोप्स एंड डी है आयरिशियन। सो हमारा 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ आवर करेक्ट आंसर स्टूडेंट, 11 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिविलाइजेशन पॉइंट आउट द ह्यूमन बींग। जो सिविलाइजेशन है वो किस में, ह्यूमन बींग में पॉइंट आउट करता है क्या? ऑप्शन ए है द पाथ ऑफ ह्यूमैनिटी, बी है द पाथ ऑफ सिविलिटी एंड सी है द पाथ ऑफ इनिमिलिटी एंड डी है द पाथ ऑफ ड्यूटी। सो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, द पाथ ऑफ ड्यूटी। क्वेश्चन नंबर 13 है, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच बाई, जो चैप्टर नेम है आई हैव अ ड्रीम, ये एक स्पीच है वो किसके द्वारा डिलीवर हुआ है? ऑप्शन ए है द जर्मेनियर ग्रिम, बी है एच ई बीट्स एंड डी सी है मार्टिन लूथर किंग जी आर एंड डी है सीगर नोरेवो। सो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मार्टिन लूथर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डैश अ फ्रीज फ्रॉम द एक्टिव हैंड्स, डैश करके फ्रीज द एक्टिव हैंड। ऑप्शन ए है लाइफ, बी है डेथ, सी है यूथ एंड डी है ओल्ड एज। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेथ। क्वेश्चन नंबर 15 है, अ स्नेक अपेयर ऑन द ट्रफ ऑफ द डैश टू सिप वाटर, जो स्नेक है वो किस पे अपेयर करने के लिए, मतलब डूबने की सिप ऑफ वाटर वो सिप ले रहा था। ऑप्शन ए है टीचर, बी है पोएट, सी है लॉयर, डी है डॉक्टर। सो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पोएट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद, जो रोमांटिक रिवाइवल है वो किसके द्वारा एसोसिएटेड हुआ है? ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन, बी है विलियम वॉल्समूथ एंड डी है जॉन मिल्टन एंड डी है अलेक्जेंडर पोप। सो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, विलियम। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया रिमेंट इमूवेबल बिकॉज ऑफ हर। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंस, बी है ग्लोरी, सी है ऑनेस्टी एंड डी है इलिटरेसी। सो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बेंजी वाज एडवाइज टू कीप हैंड्स बाय हिज, जो बेंजी है वो किसके द्वारा एडवाइस किया गया कि वो हैंड्स रखे? ऑप्शन ए है डॉक्टर, बी है सिस्टर, सी है ग्रैंड पेरेंट्स एंड डी है पेरेंट्स। सो हमारे 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर, ए। क्वेश्चन नंबर 19 है, डैश वॉज द ग्राउंड अपेयर्ड सिलीवरी। ऑप्शन ए है अनपॉलिश, बी है पेकुलियर, सी है सिमेट्रिकल एंड इवन एंड डी है ओल्ड एंड गर्ल्स। सो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमेट्रिकल एंड इवन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ पैसेज टू इंडियन इज रिटन बाय, जो पैसेज है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है डब्ल्यू बी इट्स, बी है टी एस इलोट्स, सी है ई एम फोर्ड्स एंड डी है डी एच लॉरेंस। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 21 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो ऑप्शन ए है प्रीपेयर, बी है प्रीप्योर एंड सी है प्रीपेयर एंड डी है प्रीप्योर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्पेलिंग आपको देखना है तो सारे स्पेलिंग मिस्टेक है एंड सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, वी सिंगिंग सॉन्ग इन द मॉर्निंग। ऑप्शन ए है बी है राधिका, राधा प्ले इन द इवनिंग, सी है सुनीता इन्वाइटेड मी टू डिनर एंड डी है हरी इज सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। सो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। 23 है, द फोटो फ्रेम डैश ऑन द वॉल। ऑप्शन ए हैंग, बी है इज हैंग, सी है हैंगिंग, डी है वॉज हैंगिंग। सो 23 का ऑप्शन हो जाएगा इज हैंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, वाई डोंट डैश गो एंड प्ले आउटसाइड। ऑप्शन ए है ही, बी है सी, सी है इट एंड डी है यू। सो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यू, इसमें करेक्ट भरना था तो यू ही तो होगा ना। 25 है, द टीचर वर टीचिंग द क्लास, चूज द बेस्ट पैसिव वर्ब। आप लोग तो पैसिव और गिव ग्रामर तो पढ़े होंगे ना, तो वही दिया है करेक्ट करने, स्पेलिंग चूज करने के लिए, फिर उसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए दिया होगा या फिर इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करने के लिए। तो यहाँ पे पैसिव चूज करना है जो बेस्ट हो। तो ऑप्शन ए है
टीचिंग इज द क्लास वाज टीचर, नहीं, बी है द टीचर टीचिंग द क्लास, सी है द क्लास इज बीइंग टॉट बाय द टीचर, एंड डी है द क्लास वाज बीइंग टॉट बाय द टीचर। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 26 है आई डैश कंप्लीट द वर्क, ऑप्शन ए हैव, बी है माई, सी है मे, एंड डी है सुट। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आई है तो आई हैव, हम लोग भी तो बोलते हैं ना आई हैव डन माई होमवर्क। 27 है ऑल ऑफ द गर्ल्स इन द रूम मोहिनी इज श्योरली, ऑप्शन ए द मोस्ट ब्यूटीफुल, बी है द मोर ब्यूटीफुल, सी है ब्यूटीफुल मोर, डी है मोर द ब्यूटीफुल। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए द मोस्ट ब्यूटीफुल। 28 है वाई डैश यू कम टू स्कूल स्टडी, ऑप्शन ए डोंट, बी है डिडोंट, सी है स्टूडेंट, एंड डी है उडंट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डिडंट होगा ना क्योंकि वो पास्ट का पूछ रहा है। 29 है आई विश ही डैश कम बैक, ऑप्शन ए है इच, बी है हैज टू, सी है हैव, एंड डी है हैव। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हैव। 30 है डी है करेक्ट आंसर। 30 है स्मॉल पॉक्स हैज बीन द इरेक्टेड डैश इंडिया, ऑप्शन ए है इन, बी है फ्रॉम, सी है विद इन, एंड डी है एट। सो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी फ्रॉम। सो स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया 30 तक कंप्लीट। अगर आपको सब्जेक्टिव आंसर की चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम कर प्लीज़ कंटेक्ट मी इन अ टेलीग्राम, आप वहाँ पे मैसेज कर दो, मैं रीड कर लूँगी, देन आपके अकॉर्डिंग मैं सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, थैंक यू।